principal of Elbow International School, Dr. Amrita Bora. So it's an open house. बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हुई कि इतनी तादाद में बच्चों ने मतलब स्पोर्ट्स में भाग लिया और इतने सारे मेडल जीते हैं और बच्चों को जो एनर्जी लेवल है वो एक अलग ही मुकाम पे है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मतलब स्कूल में इतनी सारी फैसिलिटीज़ बच्चों को मिल रही हैं और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में बच्चे इस तरह से भाग ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरह के स्पोर्ट्स इवेंट हर स्कूल में होना चाहिए ताकि मतलब हमारे देश में और खिलाड़ी निकलें और ओलंपिक में और मेडल जीत के लेके आए। डॉक्टर अमृता बोरा, आपसे पूछेंगे कि द सेकंड सीजन ऑफ एल्ब्रो स्पोर्ट्स फेस्ट, सो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट दिस काइंड ऑफ एनुअल प्रॉपर्टी ऑन स्पोर्ट्स? सी, वी वांटेड चिल्ड्रन टू प्ले. We wanted children to play, definitely, and in this kind of a fest we have 5,000 plus students playing, so I mean what more could you know one want, and the personalities like Geeta, they come, they inspire, motivate students, so the whole idea is to keep students motivated, to have them play a lot in the sports field and to learn out there, because a lot of learning happens out of classrooms, you know, we all know that. Thank you. सर, जो फैसिलिटीज़ आजकल तो स्कूलों में मिल रही हैं, उस अगर मैं देखूं तो मतलब हमें वो फैसिलिटीज़ नेशनल लेवल पे, सीनियर नेशनल टीम में जब हम होते हैं तो वहाँ पे हमें वो फैसिलिटीज़ आज के टाइम पर मिलती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव भी मैं कहूँगी कि है, क्योंकि जब सुविधाएँ होती हैं तो मतलब स्पोर्ट्समैन के लिए ईजी हो जाता है, क्योंकि गर्मी सर्दी का वेदर भी रहता है, सबसे बड़ा चैलेंज तो वही रहता है जब हम गर्मी में, और जब ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे इतना मतलब वर्कआउट में इतना एनर्जी वेस्ट होती है, एनर्जी जो कि मतलब अगर हमें अच्छी मतलब वेदर अच्छा रहेगा एंड इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा तो मतलब इन चीज़ों का बहुत हमारे रिजल्ट के ऊपर, हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों का बहुत प्रभाव रहता है कि हमें फैसिलिटीज़ कितनी मिलती हैं, एंड जब फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं तो सिर्फ जो मुझे लगता है कि हमें अपने मेहनत का ही और अच्छे कोचेज, अच्छे ट्रेनिंग सेंटर्स, अगर वो स्पोर्ट्स के साथ साथ जो फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर्स, सब टीमें एक साथ अगर मिलकर काम करती हैं तो मुझे लगता है कि बेहतरीन परिणाम आते हैं। सर देखिए, जी देखिए, प्रोत्साहन की आप बात करें, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट बहुत पहले से बहुत बेहतर कर रही है, क्योंकि मैं पिछले पाँच छः सालों से देखूं तो पूरा सिस्टम चेंज हुआ है, हमारे जो गवर्नमेंट में जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहे हैं, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी रहे हैं, तो वो खेलो इंडिया जैसे स्टार्ट हुआ है, सो जब मुझे पता है कि जब मैं कैडेट एंड जूनियर लेवल पे थी तो साल में एक या दो कॉम्पिटिशन हमें खेलने को मिलते थे, लेकिन आज अंडर 14, अंडर 16, अंडर 17, तो इतने सारे टूर्नामेंट होते हैं, खेलो इंडिया, और उनके कैंप लगते हैं, और कैंपों में आप यकीन नहीं करोगे, अभी मैं पिछले साल ही सीनियर कैंप में थी, जहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स का कैंप लगा हुआ था, और वहीं पर खेलो इंडिया का कैंप लगा हुआ बच्चों का, और उनके साथ ट्रेनर जो थे मतलब हाई लेवल के ट्रेनर, तो मतलब मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि जो चीज़ें हमें आज सीनियर लेवल पे हमें उसी कैंप में मिल रही है, वही सेम चीज़ें खेलो इंडिया में, कैडेट में जो बच्चे मेडल ले रहे हैं उनको फैसिलिटी मिल रही हैं, तो डेफिनेटली जब इस तरह का बदलाव होता है, जब गवर्नमेंट और सिस्टम मिलके एक साथ जब काम करता है, और तो मुझे लगता है कि आने वाले जो 24 या मतलब जो भी मतलब आने वाले 5-10 सालों में स्पोर्ट्स, इंडिया का स्पोर्ट्स जो मैं उम्मीद कर रही हूँ, जो देख पा रही हूँ, एक अलग ही लेवल पे होगा। अभी कुछ दिन पहले GFI के स्कूल फेडरेशन गेम्स के नेशनल लेवल के प्रोग्राम हुए हैं। जी ऐसा देखा गया है कि बच्चों को डाइट भी प्रॉपरली नहीं मिल पाई। सर वही मतलब कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की देखो, हम उसको उसमें गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे जो लगता है गवर्नमेंट बहुत पैसा वेस्ट करती है, लेकिन चीज़ें खिलाड़ियों तक नहीं पहुँचो, सिस्टम की कहीं ना कमी आज भी बहुत कमी है, ग्राउंड रूट पे काम करने की गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि देखिए जो पैसे वाले लोग हैं जिनके पास, तो वो कुश्ती, खेल, कबड्डी तो कोई करेगा नहीं, तो वो
जो लोग जिनको ज़िंदगी में कुछ करना है, जिनके माँ बाप का सपना है कि हमारे मतलब पेरेंट्स जो सोचते हैं कि हमारा बच्चा कभी मतलब कामयाब हो तो हम भी सुख के दिन देखें, तो क्योंकि हमने खुद देखा है कि मेरे पिता ने हमें कर्ज लेकर के भी मतलब पाला, लेकिन उन्होंने हमें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी। तो वो एक ही चीज़ सोचते थे कि जिस दिन मेरी बेटियां मेडल जीतेंगी तो उस दिन मतलब हमें नाम और फेम भी मिलेगा, तो मतलब घर की स्थिति भी अच्छी होगी। और तो मुझे लगता है कि तो वही लोग जो ग्रामीण रूट पे जो जो बच्चे होते हैं वही वही खेल में आगे बढ़ते हैं, ऐसे कुश्ती कबड्डी और जो मतलब ग्राउंड रूट पे जो खेल होते हैं। तो सरकार को इन चीज़ों के ऊपर मुझे लगता है कि और ध्यान देने की ज़रूरत है, अच्छे ट्रेनिंग सेंटरों की बहुत ज़रूरत है, खासकर कि लड़कियों के लिए इंडिया में मतलब ऐसे ट्रेनिंग सेंटर नहीं है जहाँ पे पेरेंट्स मतलब लड़कियों की ट्रेनिंग भी मतलब कोई भी गेम और हॉस्टल्स या फिर मतलब सारी एक चीज़ें एक ही छत के नीचे मिलें, और मतलब सिक्योरिटी वाइज भी, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है कि उनकी बेटियाँ खासकर की जो लड़कियाँ हैं तो एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहें। तो मुझे लगता है कि सरकार को इन चीज़ों पर और फोकस करने की ज़रूरत है। आप एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, जी, महिला भी हैं, जी, और हमारे समाज को देखते हो, जी, कैसे देखते हैं इसका निर्माण? सर मैंने वही कहा कि इतने सालों से चीज़ें मतलब चलती आ रही थी कि लड़कों को लड़कियों के मुकाबले बहुत कम आंका जाता था, लेकिन धीरे धीरे समाज की सोच भी बदल रही है, लोगों की सोच बदल रही है, एंड चाहे वो स्पोर्ट्स फील्ड कोई भी फील्ड हो तो और बदलने की ज़रूरत है। जिस तरह से दंगल फिल्म आई तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित हुए, बहुत ज़्यादा मतलब लड़कियों को मतलब आगे बढ़ाने की उन्होंने सोची। जब 2016 में साक्षी मलिक और पीवी सिंधु का ओलंपिक में मेडल आया, तो मतलब जब इस तरह की जब लड़कियां किसी भी क्षेत्र में अच्छा करती हैं तो एक आप सब मीडिया का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है। आप कितना मतलब लड़कियों के लिए जो अचीवर हैं उनके बारे में टेलीविज़न के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से जितना मतलब हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, जितना उनको मोटिवेट कर सकते हैं, तो उन चीज़ों का काफ़ी प्रभाव रहता है। एक सशक्त महिला की कितनी ज़रूरत है, खास करके हालांकि काफ़ी इंसिडेंट हुए, खास करके दिल्ली का जो मामला है, जी, उसमें एक रेसलर के नाते, एक सशक्त महिला के नाते क्या आपकी भूमिका है, क्या आप सोचती है और क्या महिलाओं को संदेश देगी जो इस तरह से घटना हो रही है, खास करके जो श्रद्धा का मामला है? जी देखिए, मैं मुझे सबसे पहले तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को और सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है कि कोई इस तरह के करते अगर करे अगर फ्यूचर में तो मतलब उसको 100 बार सोचना पड़े और सोचते उसकी रूह कांपे। मतलब सरकार को इस तरह के कानून कड़े कानून बनाने की ज़रूरत है। और दूसरा मुझे लगता है कि देखिए ये सब जैसी इस तरह की चीज़ें होती हैं तो मन को झिंझोर देती हैं, तो लड़कियों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने आप को, अपने आप के आत्म सम्मान को, अपने अंदर की ताकत को पहचानने की ज़रूरत है। अपने आप को इतना सक्षम कीजिए कि आप किसी के सहारे ना रहें, आप अपने खुल के बलबूते पे खड़े हों। और वही मैंने कहा कि समय बदल रहा है, लड़कियां मतलब उनके मतलब पेरेंट्स भी काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं आज के दिन, लेकिन और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये ना सोचे कि समाज क्या कहेगा। लोग हमारे देश में सबसे बड़ा रीज़न रहता है कि माँ बाप चाहते भी हैं लेकिन कई बार ऐसा सोचते हैं कि पड़ोसी क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, तो वो ऐसा सोचकर भी लड़कियों को आगे बढ़ने से रोक लेते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर एक परिवार में अगर एक बेटी या बहन अगर अपने कंधों पे खड़ी हो जाती, पैरों पे खड़ी हो जाती है, तो मुझे लगता है पूरा परिवार फिर महिला के साथ साथ सशक्त हो जाता है। जी देखिए मैं बोल रही हूँ कि पहले से चीज़ें काफ़ी बेहतर हुई हैं, और अगर हमें मतलब ज़रूरत है तो अच्छे सिस्टम की ज़रूरत है। एंड जितने अगर हमारे ट्रेनीज़ को लेकर के, जैसे अभी पिछले ओलंपिक में मैं रेसलिंग के बारे में मुझे मैं ज़्यादा बता सकती हूँ, क्योंकि रवि दहिया थे, विनेश थी मेरी बहन, एंड बजरंग पूनिया जी, तो सभी के साथ आप तीनों चारों के साथ आप देखेंगे तो उनके साथ एक एक फॉरनर कोचेज़ थे, पूरी टीम थी जिनमें से एक एक मतलब सभी के साथ पर्सनल कोचेज थे। तो मुझे पर्सनली लगता है कि उन चीज़ों का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है उनके मेडल के ऊपर, कि मतलब
सरकार ने, क्योंकि अगर खुद के खर्चे से अगर खिलाड़ी करना चाहेगा तो इतना एफर्ट नहीं कर पाता, चाहे किसी मतलब उस लेवल पे भी हो, लेकिन जब स्पॉन्सर जब आगे आते हैं और जब खिलाड़ियों को स्पॉन्सर करते हैं, उनको ट्रेनिंग का खर्चा देते हैं, उनकी ट्रेनिंग का या मतलब पूरा स्पोर्टिंग स्टाफ होता है, तो उन चीज़ों का बहुत ही बहुत बेनिफिट है। मुझे लगता है कि टूर्नामेंट्स जितने खिलाड़ी खेलेगा और जितना उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाहर खेलने की, तो उतना ही खिलाड़ियों को फ़ायदा होता है। जैसे कि नेशनल लेवल पे मैंने बताया कि अब खिलाड़ी इतने आगे आ रहे हैं क्योंकि इतने टूर्नामेंट इतने स्टार्ट हो गए। पहले हमें एक दो टूर्नामेंट मिलता था, अभी मतलब साल के चार चार पाँच पाँच खिलाड़ी को मतलब नेशनल लेवल पर टूर्नामेंट मिल जाते हैं। अब बाहर कंट्रियों में देखेंगे, हम देखते हैं रसिया, जापान, USA, वो मतलब क्योंकि एक बोझ उतर जाता है ना कि साल में एक या दो ही कंपटीशन होता है, तो आदमी मतलब डर अंदर ये रहता है कि बस एक दो कंपटीशन मिलेंगे, और जबकि इतने आठ आठ दस दस खिलाड़ी जब हर महीने में एक कंपटीशन खेल लेता है, तो उसका वो डर निकल जाता है कि इस बार नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो अगली बार, तो मतलब उस चीज़ का बहुत फ़र्क रहता है। सर बिल्कुल जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी को ही हम मुझे लगता है कि वो हमसे कहीं ना कहीं बेहतर हैं, क्योंकि जो जो मतलब चीज़ें हमें आज मिल रही हैं नेशनल लेवल पर, वो चीज़ें उनको आज से 10-10, 15-15 साल पहले वो मतलब हो चुकी, तो वो और उतने आगे निकल चुके होते हैं उनका मतलब एक एक चीज़ का, कि किस खिलाड़ी की क्या डाइट है, क्या उसका मतलब मतलब हर एक चीज़ का फैट कितना फैट है, हर सुबह शाम मतलब पूरा शेड्यूल होता है, प्रॉपर शेड्यूल होता है। और मुझे लगता है कि जो उनके कोचेज होते हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, डिसिप्लिनड होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब वो एक एक चीज़ को बारीकियों से देखते हैं। तो हमारे सिस्टम में भी मतलब बदलाव हो रहा है, लेकिन वही बहुत कुछ अभी बदलाव होने की ज़रूरत है। बिल्कुल होना चाहिए। देखिए सीखने वाले तो सीखते भी हैं, जब हम जाते हैं तो अगर मतलब हर एक दिन हम सीखते हैं, तो कोचेस भी मुझे लगता है अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते हैं, लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट खिलाड़ियों की, अभी मैं रेसलिंग की अगर बात करूं तो वहाँ पे एक भी इंटरनेशनल कोच अभी कुछ ओलंपिक के बाद से नहीं है। मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, लेकिन मतलब जो मुझे लगता है कि खिलाड़ियों को मिलने चाहिए। जी उनके लिए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट ने? सर मैंने बताया कि हमें इस तरह की मुहिम चलानी चाहिए, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी जब कोई आह्वान करते हैं, वो किसी भी चीज़ को लेकर के शुरुआत करते हैं, तो देश के हर कोने में फैल जाती है। तो मुझे लगता है कि जब उस लेवल पर अगर स्पोर्ट्स को लेकर के जितने भी मतलब टूर्नामेंट, अब मुझे लगता है कि काफ़ी बदलाव तो हम देख रहे हैं कि इतने सारे टूर्नामेंट्स का आयोजन होता है, अलग अलग गेम्स में हम देख रहे हैं, तो जितने टूर्नामेंट्स होंगे, जितना लोगों तक ये टूर्नामेंट्स पहुँचेंगे, तो मुझे लगता है कि उतना ही हमें उतने खिलाड़ी आगे आएंगे। सर मेरा यही मैसेज है कि आप अगर स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया फील्ड है। आप अपना भी, अपने परिवार का, अपने देश का परचम लहराते हैं, और जब आप मेडल जीतते हैं तो मतलब मुझे लगता है कि उससे बड़ी खुशी किसी और दूसरी चीज़ में होती है। और अगर आप इसमें स्पोर्ट्स फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आपको एक चीज़ ठान लेनी होगी कि अपने सुख सुविधाओं को छोड़ करके आपको बस एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा कि मुझे वो गोल है, मुझे ओलंपिक चैंपियन बनना है। क्योंकि सपना छोटा एक तो आप लेके ना चलिए, बड़े सपने रखिए और पेशेंस के साथ आइए, क्योंकि एकदम से किसी चीज़ का नतीजा नहीं आता, समय लेता, स्पोर्ट्स भी टाइम लेता है। तो पेशेंस के साथ आप मेहनत करिए, और मुझे नहीं लगता मेहनत कभी किसी की असफल रही है। जी बहुत ही खुशी और गर्व की बात है सभी स्पोर्ट्समैन के लिए, और एक बहुत बड़ा पॉजिटिव और बहुत बड़ा बदलाव है खिलाड़ियों के लिए कि पीटी उषा जी खुद एक इतनी अच्छी महान खिलाड़ी रही हैं, और जब ऐसे हाथों में देश की मतलब स्पोर्ट खिलाड़ियों की कमान जाती है, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक बहुत अच्छा बदलाव, और उम्मीद यही है कि वो
एक खिलाड़ी खिलाड़ी को समझ सकता है, तो उनसे बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई और कोई ऑप्शन हो सकता था। हालांकि ऐसे जो संस्थान है उसमें पर पॉलिटिशियन हावी है जी, ऐसे में पीटी उषा की एक खिलाड़ी के तौर पे वहाँ पे चयनित होना जी, इतना हमें खिलाड़ी की दृष्टि से क्या है? वही मैं बोल रही हूँ कि बहुत ही बड़ी गर्व की बात है और बहुत खुशी, मतलब एक खिलाड़ी को एक खिलाड़ी से बेहतर मुझे नहीं लगता कोई समझ सकता है, क्यों पॉलिटिशियन भी नहीं समझ सकते, क्योंकि खिलाड़ी समझ सकता है क्योंकि वो ग्रामीण रूट से निकला है, उसने मतलब उतार चढ़ाव सब देखे हैं कि खिलाड़ियों को किस चीज़ का स्ट्रगल करना पड़ता है, किन चीज़ों की उनको ज़रूरत रहती है, तो प्रैक्टिकल जो जिन लोगों ने फेस की हुई होती हैं चीज़ें, तो वही उनको बेहतर समझ सकता है, तो बहुत ही अच्छा डिसीजन है। See, firstly, of course, the infrastructure is very supportive because we have, you know, facilities for students to go and play almost and experiment with each and every sport. Secondly, I mean, like Geeta was saying, we are also looking at people who make sports happen. So we run sports management as a subject in the school. See, not physical education. Yes, people can go out, play, get medals, but who will make sports happen? So sports management is a subject here. So we are supporting from both ends. One is to give the infra for children to study, to experiment with sports, also to make them understand what sports is all about. So बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम। यस, मैं मैडम को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा, मतलब मैडम ने बताया कि किस तरह से उन्होंने सभी खिलाड़ियों को उसमें इन्वॉल्व किया कि सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना ही करना है। ये अपने आप में एक अचीवमेंट है कि आप किस तरह से, मतलब सभी खिलाड़ियों को इस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं और आपने मतलब उनको, मतलब अलग अलग गेम्स में उनको पार्टिसिपेट करवाया, और बच्चों के आपने एनर्जी लेवल देखा भी होगा कि मतलब एक अलग ही लेवल पे है। मेडल कोई भी हो, स्कूल लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, मेडल की जो खुशी होती है वो एक अलग ही होती है। एंड जस्ट टू ऐड टू दैट, हम बोलते हैं कि खूब बड़े ड्रीम्स होने चाहिए बच्चों के, तो ड्रीम्स ऐसे ही शुरुआत होती है, इन्हीं फील्ड्स में ड्रीम्स की शुरुआत होती है, और ऐसे पर्सनालिटीज से आई थिंक दे नर्चर ड्रीम्स इन द यंग माइंड्स, आई वुड से। सर मुझे लगता है कि देखिए, आपने एक कहावत सुनी है, मैंने आपसे सुनी, मुझे भी नहीं, तो हरियाणा की एक हम कहावत जो मतलब फेमस है वो कि दूध दही का खाना, मतलब ये है कि मिट्टी में ही कुछ ऐसा है कि हर घर में खिलाड़ी मिलते हैं। कुछ ये भी एक रीज़न है कि मतलब फैमिलीज में कोई ना कोई कुश्ती कबड्डी ये हर घर में हर गांव में ये खेल रहते हैं, बचपन से ही हम यूज्ड टू हो जाते हैं। एंड दूसरा, गवर्नमेंट भी काफ़ी मतलब खिलाड़ियों को सपोर्ट करती है, चाहे वो कैश अवार्ड की बात हो या फिर नौकरी की बात हो, क्योंकि जब तक किसी भी बच्चे का अगर फ्यूचर सेव नहीं, बच्चे को दिखता, पेरेंट्स को नहीं दिखता, तब तक वो बहुत स्ट्रगल करता रहता है उन चीज़ों को लेकर के। लेकिन जब भविष्य बच्चे का निर्धारित हो जाता है, तो फिर मुझे लगता है कि सिर्फ अचीवमेंट बच्चे को अपनी परफॉर्मेंस पे पूरा फोकस कर पाता है। तो एक ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हरियाणा गवर्नमेंट खिलाड़ियों के लिए बहुत इनामों की बौछार करती है। गीता जी, जब हमने खेल देखे, ओलंपिक देखा है, कई सारे मामलों में जब खिलाड़ी अच्छा बेहतर प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद भी और पहले भी प्रधानमंत्री खिलाड़ियों से बात करते जी, इमोशंस में उनके साथ जी, खुशी का रहे जी, कुछ जी, ऐसे में जो वो संवाद होता है उसका असर क्या होता है? सर देखिए, एक हर खिलाड़ी के लिए एक बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है जब देश का प्रधानमंत्री इस तरह से खिलाड़ियों से रूबरू होता है और एक अलग अलग खिलाड़ी से रूबरू होता है, तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेशन है। क्योंकि मुझे सिर्फ फ़ोटो उतरवाने के लिए नहीं, सिर्फ वो श्रेय लेने के लिए नहीं, सिर्फ जीत के लिए नहीं, वो हार और जीत जो भी होता है, वो एक एक खिलाड़ी के बारे में वो अच्छे से जानते हैं कि क्या कमी रही, क्या रीजन रहा हार और जीत का, और वो मतलब उस तरह से वो खिलाड़ियों को मोटिवेट भी करते हैं। तो बिल्कुल इन चीज़ों से सर मतलब खिलाड़ी मोटिवेट बहुत होता है कि मतलब आपके पीछे मतलब देश का प्रधानमंत्री खड़ा है, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऐसा इसको कुछ असर हुआ है?
सर असर मैंने वही कहा कि बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि मेंटली हम मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं कि कुछ भी अगर चीज़ रहेगी, कोई भी सोशल मीडिया का ज़माना हो गया आजकल, कुछ भी अगर खिलाड़ियों को कहीं भी कमी लगती है, सिस्टम में कमी लगती है, तो हम डायरेक्ट पीएमओ को, डायरेक्ट स्पोर्ट्स मिनिस्टर को हम बात कर सकते हैं, अपनी हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो शेयर कर सकते हैं और उनका तुरंत समाधान भी निकलता है। तो ये जो कनेक्शन है ये इसलिए ज़रूरी है। What we do is we interact with parents very often and tell them that these are the possibilities that the child can explore. Eventually, of course, they have a role in deciding what the child does and, you know, what he takes up or she takes up later. But what we can do is to make them aware. So we draw their attention to the possibilities that exist. And then what I've seen is that, yes, the mindset is changing now and people want to explore sports as a career for their children. And I was also telling you, it's not only about those who can play well. Sports management is also, I think, kind of, you know, like opening so many avenues for students. Thank you. Thank you. मारी छोरियां छोरों से कम है के। थैंक यू।